और ये मेरे पति ना थोड़े थोड़े मेरे से नाराज हो गए हैं। बीवी से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है। सबने राजवीर को हंसते खेलते देखा होगा आज। काटने को दौड़ते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? सब लोग तो ठीक ही होते हैं। हाँ, सब लोग तो ठीक ही होते हैं। और आज हमने व्लॉग शाम को शुरू किया, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो अभी गाइस शाम के 5 बज रहे हैं, करेक्ट 5 बज रहे हैं। और हम गए थे कहीं किसी पार्टी में, तो वहां से जस्ट आए हैं। तो अभी चेंज वेंज करना है मुझे घर में, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और मैंने तो चेंज कर लिया वापस सलवार टी-शर्ट। हाँ, सिस्टी ने चेंज कर लिया है और मैंने और हिमलता ने अभी चेंज नहीं किया, चेंज करेंगे। और आज हमें करनी है एक वीडियो शूट, तो देखते हैं कि क्या प्लान है। तो चलो। और अभी मैं खाऊंगी फ्रूट में आम, जो कि मैंने चखा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, खा लेंगे। अभी खाना खाएं तो अभी थोड़ी देर में काट के अभी मम्मी दे देगी, ठीक है। और मतलब आपको आपको तो पता ही होगा, स्कूल स्कूल में तो मैं लगे गई थी, अभी तक इसका निशान। इनको कैसे पता होगा कि पता होगा आपको? उनको कैसे पता? चलो ठीक है, लॉक करो इसको। पापा मतलब मैंने देखती हूँ कि ना स्कूल में ना बड़े बच्चे फोन लाते हैं। नहीं, स्कूल में बड़े बच्चे फोन लाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, पर हम अभी फोन नहीं देंगे। जब आप बड़े हो जाओगे ना तब देंगे फोन, वो भी स्कूल के बाद, कॉलेज में। स्कूल में नहीं पापा। ऐसे चलता है ना, होम कॉलेज नहीं, होम स्कूल ऑफिस कॉलेज। क्या कॉलेज के ऑफिस के बाद आते हैं ना कॉलेज? नहीं, सबसे पहले स्कूल, स्कूल के बाद हम कॉलेज करते हैं, फिर कॉलेज के बाद होता है ऑफिस, क्योंकि हमारी स्टडी सारी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम जॉब करते हैं। तो जो जॉब करते हैं वही तो ऑफिस होता है। हे गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मतलब क्या ही बोलूं, रात को गुड नाइट के टाइम पे मैं गुड इवनिंग क्लिप ले रही हूँ। टाइम आपको बताऊंगी ना, आप लोग भी चौंक जाओगे। टाइम हो रहे हैं रात के 11:30 और वो शाम को ही बस एक वेलकम क्लिप ली थी, उसके बाद अब ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद हम सो गए थे। है ना? क्या? और ये मेरे पति ना थोड़े थोड़े मेरे से नाराज हो गए हैं। थोड़े से मेरे से नाराज हो गए हैं वो इस वजह से, क्योंकि जैसे आपको पहले लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमें एक वीडियो शूट करनी थी, और हम आकर सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश माइंड से वीडियो शूट करेंगे। लेकिन वो थोड़ा रेस्ट के चक्कर में ना हम पूरी नींद निकाल बैठे हैं, तीनों ही हम सो गए, और हमारी आंख खुली 8:30। उसके बाद ओल्ड गुड़गांव की तरफ हमें जाना था, कुछ काम था। वहां से आने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाना तो खैर क्या, खिचड़ी बनाई थी, फिर खाया। और इनकी एडिटिंग नहीं हुई है, ना ही वीडियो शूट हुई है, काम नहीं हो पाता है ना, तो ये थोड़े से ना नाराज हो जाते हैं। काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। जी, बीवी से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है। काम इम्पोर्टेंट है तभी, काम कितने जरूरी होते हैं। ऑन टाइम अगर काम ना हो तो सारे काम, सारी चीज बिगड़ जाती है। थोड़े से नाराज हो गए हैं, क्या करूं, मेरी गलती मेरी भी नहीं है। दिखाना दिखाना दिखाना, क्या लुक दिया, दिखाना जरा, गलती मेरी है इसका मतलब? हाँ। ओ, वो कैसे? सोना था ना आपको। हे, मुझे लेटना था, सोना नहीं था, लेकिन खुद भी लेट गए, तो इसमें गलती मेरी कैसे हुई? अच्छा मतलब आप रेस्ट कर रहे हो तो मैं क्या बैठ के यहाँ शक्ल देखूं अब चीजों की? मैंने कहा ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, दोनों साथ में हो जाए, उठ जाएंगे। उठ गए ना फिर साथ में। हाँ। पर मैंने जबरदस्ती उठाया, उसके बाद भी इनका मन नहीं था उठने का। रहन दो क्या? जबरदस्ती कोई बात नहीं होती, काम के लिए मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। टाइम कभी मैं नहीं देखता दिन रात में कि कब मुझे उठना है। नींद में होता हूँ उसकी बात अलग है, जब मुझे होश में मैं होता हूँ तब मैं अपने आप इन चीजों का ख्याल रखता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैंने नहीं उठाया कई बार, उससे पहले भी मैंने आपको उठाया करता हूँ, मैं इतना सोता भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैंने नहीं उठाया, ये बताओ। अरे तो भाई सो रहा है कोई बंदा तो उठाओगे तो सही ना आप? तो वही तो बात मैं बोल रही हूँ, मैंने तो इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, घुमा लो कभी इधर कभी इधर, शक्ल तो दिखानी चाहिए। एडिटिंग तो आप ही को करिए, देखो फिर। हाँ, एडिटिंग तो मेरे को ही करनी है, क्योंकि ये सीधी उल्टी सीधी क्लिप तो मेरे को ही लगानी है, हैटेक तो मेरे को ही होता है। पका हैटेक सॉरी, हैटेक तो मेरे को ही होता है, क्योंकि इनको तो पका पकाया काम मिल जाता है। अच्छा पका पकाया काम, ज्यादा मत बोलो ठीक है ना।
पका पकाया काम मिल जाता है। पका पकाया काम मिल जाता है। देखो क्लिप को सिर्फ ये लैपटॉप में अपलोड कर, अपलोड क्यों, ट्रांसफर करके जाते हैं बस, उसके बाद उनको अपलोड करना, फिर उसके बाद उनको सीरियल वाइज लगाना और सारी बीच बीच का गैप को खत्म करना, ये मेरी ड्यूटी है अभी स्टार्टिंग में। और जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगी तो शायद फिर पूरा व्लॉग ही मेरे को एडिट करना पड़े, है ना। सबने राजवीर को हंसते खेलते देखा होगा, आज गुस्से से देख लो, ऐसे होते हैं ये गुस्से में, कैसे होते हैं ये काटने को दौड़ते ये क्या खुश हो रही है, इसको भी काम पे भी लगाया हुआ है मैंने होमवर्क करने में, ये भी आके सो के इसने भी खूब नींद निकाली है, सुबह भी लेट उठी थी। तो कहने का मतलब ये है अब 11:30 बजे हमारा दिन निकला है, अब देखते हैं पता नहीं रात को सोना कब होगा और फिर वही सुबह उठना लेट होगा, पर नहीं कल थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि 10 बजे इनको क्लास के लिए जाना है, उससे पहले उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना है। तो गाइज मिलते हैं कल मॉर्निंग में, क्या बोले, जरूरी नहीं है कल मॉर्निंग में मिले, जरूरी नहीं है मॉर्निंग में मिले, जरूरी नहीं है मॉर्निंग में मिले, अभी थोड़ी देर बाद भी मिल सकते हैं क्योंकि रात तो अपनी है, क्या ही जा रहा, आप लोग तो दिन में ही देखोगे। Hey guys, good morning. So next day morning में अभी मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए, आर्ट क्लास के लिए, करेक्ट 10 बजे मेरी क्लास है, तो अभी 9:40 हुए, 20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा करेक्ट। और मैंने अभी लिया नारियल पानी, ये अपने लिए नारियल पानी लिया है और बाकी ये एक हेमलता लेगी और फिर कल के लिए लिया है, बिकॉज अभी दोनों का ही पेट ऐसा हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसीलिए ही मतलब ज्यादा हम कल भी हम गए थे वहां पर तो हमने सिर्फ रायता राइस वगैरह ये सब चीजें ली थी, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें और बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं ली थी, तो इसीलिए नारियल पानी वगैरह ले रहा हूँ, थोड़ा सा जो अनईजी लग रहा है मॉर्निंग में, अगर नारियल पानी सबसे बेस्ट होता है। चलो फिर क्लास करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, आज का रूटीन क्या रहेगा वो आप लोग बताते हैं। इच्छा तुम्हारी दिल कुछ भी न होता है बोले शंभु पधारा। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अभी पापा स्कूल से आ चुके हैं, स्कूल से नहीं क्लास करके, सॉरी, अब पापा क्लास करके आ चुके हैं और मम्मी भी नहा रही है, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, मैंने नाश्ता कर लिया है, अभी मम्मी और पापा नाश्ते कर रहे हैं और नाश्ते में बनाया आज पोहा, तो मिलते हैं। और मैंने उठ के ही थोड़ा सा होमवर्क कर लिया था। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ओल्ड गुड़गांव की तरफ, वहां पर मुझे कुछ काम है और फिर घर पर भी जाना है, बहुत दिन हो गए मम्मी से मिले हुए, आज मैं नहाया नहीं हूँ, आज मैं कल के कपड़ों में ही घूम रहा हूँ क्योंकि सुबह उठा मैं इसी में ही, बस मुंह धोके और ब्रश वश करके सीधा क्लास के लिए चला गया था, फिर वहां से आया, आने के बाद ब्रेकफास्ट किया और फिर अभी जाना है क्योंकि मुझे एक्चुअली बैंक भी जाना है कुछ काम से, तो बैंक बंद हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने सोचा कि मैं बाद में ना लूंगा, वही पहले बैंक का काम करना जरूरी है। तो चलो अभी देखते हैं आगे का क्या रूटीन रहता है। डालने पड़ेंगे ना तो वाइस को काट देगा, फेस करवाना पड़े, देख रहे हो, बैरिंग डालेंगे, ग्राइंडिंग होगी, ये डालने पड़ेंगे। तो गाइस गाड़ी दे दी है मैकेनिक के यहाँ पे और पीछे देखो हिम्मत और सिस्टी खड़ी है, ऑटो वाले का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम गाड़ी के बिना बेसहारा हो गए हैं, और ये देखो कैसे खड़ी हुई है बोरी अब इस तरह लेके जैसे घर से बेसहारा हो जाती है। और सबसे पहले मैं गया था बैंक, फिर उसके बाद सीधा आ गया यहाँ पर गाड़ी ठीक कराने के लिए, गाड़ी दे दी है और अब हम जा रहे हैं घर पे, जब तक गाड़ी ठीक हो जाएगी 1.5-2 घंटे में, बस ऑटो वाले का ही वेट कर रहे हैं, कोई ऑटो दिख नहीं रहा अभी तक, क्या आगे नहीं बैठना, आ जाओ कोई बात नहीं, इस साइड नहीं बैठना, गिर जाएगी हवा के चलते। कैसा लग रहा है ऑटो की सवारी करके, गाड़ी छोड़ के करते रहते हो ना, मुझे ओ आदत है, सही में आदत है, झूठ बीच बीच में जाती रहती हूँ, आप नहीं जाते हो, अच्छा करते हो, अच्छा अच्छा, हाँ वो भी बात है। अरे 50 रुपए खुले हैं क्या, ऑटो वाले को देने हैं वो, कल यार पैसे खुले पड़े हैं क्या, देखियो
अरे पेटीएम नहीं, कैश चाहिए। अरे कित्तू का नया पत्ता आ गया, कित्तू की नई बेल आ गई है। देखो देखो कैसे घुस रही है, देखो देखो कैसे घुस रही है। ये एक्साइटमेंट, किट्टू के सारे बाल चिपका दे तू, मेरे बाल चिपका दे, बाल चिपका दे तू। अब बटा तू, अब बटा किट्टू तू, अब बटा दे किट्टू तू, अब बटा दे है तो मेरे किट्टू है तू, किट्टू मेरा बच्चा है, किट्टू मेरा बच्चा है, मेरा बाबू है किट्टू। लाल पट्टा कितना अच्छा लग रहा है किट्टू के गले में है। काली काली है ना पूरी, काली काली है ना, पैर के नीचे से क्यों निकल के जाती है तू। तो गाइस घर से लेके जा रहा हूँ मैं छोटा सा प्लांट, स्नेक प्लांट, बिकॉज ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ये छोटा गमला खाली पड़ा हुआ था, मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगा दिया तोड़ के दूसरे गमले में से। ये लेके जा रहा हूँ, ये छोटा वाला है ना, ये ऊपर खाली पड़ा हुआ था पीछे गुम्बद में अंदर की तरफ, और ये वाला है ना स्नेक प्लांट मैंने दूसरे गमले में से तोड़ा है, क्योंकि इनकी ये उस गमले में ना काफी सारे फूट रहे थे, उसमें से हाँ छोटा सा निकाला मैंने जड़ के समेत, इसमें लगा दिया है। ये है ना फूट जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, एक ही गमले में बहुत सारे जाते हैं ये। हाँ अब ये बारिश बरसात के टाइम पे है ना बहुत हो जाएंगे, और ज्यादा उसी गमले में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर उसी में से आप तीन गमलों में लगा दोगे ना, तीन गमलों में फूट जाएंगे अलग अलग। तो बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक प्लांट, और हिंदी में बोलते हैं जो मदर इन लॉ टंग प्लान, यानी कि सास की जुबान। ये लंबे होते हैं, बढ़ते जाते हैं। बना लो चाय, बना लो, देखी जाएगी, पीते हैं चाय पीते हैं। सर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, दवाई लो दवा। अरे मुझे क्या दूं, गिर जाओगी, गिर जाओगी बेटा। हाँ हाँ सिस्टी मेरा सर दबा रही है। अरे मेरे बाल भी खिंच रहे हैं पीछे से। ऐसे नहीं, जैसे ऐसे कर ली थी ना, ऐसे ऐसे करके दबाओ। हाँ हाँ ऐसे मेरी उंगलियों से लगता भी है। क्या उंगलियों से लगता भी है, बहुत टाइट हाथ से दबाती है सिस्टी। और गाइस अब आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में नॉइस कितना आ रहा है, शोर कितना हो रहा है यहाँ पर। सो गाइस अभी पापा के गए हुए हैं गाड़ी गाड़ी लेने, और देखो और मम्मी इधर फोन में लग रहे, पापा का कोई मैसेज आया है। और दादी आप क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, पूजा करूंगी। दादी अभी पूजा करेगी और पूजा कर रहे हैं, चाचू अंदर पूजा कर रहे हैं, चाचू अंदर पूजा कर रहे हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, तो अभी शाम हो चुकी है, और अभी शाम के 7:45 बज रहे हैं, शाम ही कह लो, एक तरह से रात कह लो, कुछ भी कह लो। और अब जाके मेरी मतलब गाड़ी ठीक हुई है, गाड़ी तो मेरी मतलब एक घंटा हो गया, और मैं अभी छोटे मोटे काम इधर उधर निपटा रहा था बस। कभी कभी इतने हैक्टिक डे हो जाते हैं ना कि ये काम वो काम, छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं ना, ये इधर उधर कोने में कहीं इधर भागो कहीं उधर भागो। तो यही था कि मेरी छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि अभी जो छोटे मोटे काम है ना सारे करवा लूं, क्योंकि फिर वर्किंग डे में है ना तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होते भाई, बहुत हैक्टिक हो जाता है फिर डे। और मुझे अभी एक पोर्ट्रेट और बनाना है, करंट में ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो पोर्ट्रेट में हर काम और करना है मुझे, तो बस वही जल्दी से पहुंच के तो वो काम भी शुरू करना है मुझे। और अब जाके हिमलता को और शिष्य को घर से पिक करूंगा, क्योंकि घर पर उनको ड्रॉप किया था, तो सीधा चलते हैं गाइस स्टूडियो, तो स्टूडियो पे ही मिलते हैं आप लोगों को, और स्टूडियो पहुंच के एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए।